नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमन शो और आप देख रहे हैं के न्यूज। और नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचेंगे ये क्या हुआ कि अचानक एक छोटी सी बात की वजह से शख्स ने अपनी जान से खेल लिया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। दरअसल खबर जनपद फरुखाबाद के कायमगंज से है, जहां दूल्हे का रंग गोरा न होने की बात कहकर वरमाला के टाइम पर ही दुल्हन ने जयमाला डालने से साफ इनकार कर दिया। काफी अधिक खर्चा हो जाने के बाद भी बिना दुल्हन लेकर ही बारात को वापस लौटना पड़ा, जिससे हताश और निराश युवक ने अपने घर पर जाकर फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। परिवार में कोहराम मच गया। यह अत्यंत दुखद चर्चित घटना कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव सलेमपुर चिलिया की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी माह 20 तारीख को यहां के निवासी जो कि 21 वर्ष का है, उसके बारात जिला जौनपुर के सदर कोतवाली स्थित गांव हमसापुर गई थी। बारात पहुंचने पर वधु पक्ष के लोगों ने स्वागत सत्कार भी किया, जयमाला स्टेज भी सजी। दूल्हा स्टेज पर दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा था। स्टेज के पास तक सधे कदमों से दुल्हन आई। उसने नजर डालकर दूल्हे को देखा और चुपचाप वापस लौट गई। ये देखकर वहां मौजूद बाराती तथा अन्य लोग हक्के बक्के रह गए। कोई कुछ समझ पाता तब तक दुल्हन ने ये कहा कि दूल्हे का रंग अच्छा नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। दुल्हन का ये फैसला सुनते ही बारातियों में सन्नाटा सा पसर गया। इसके बाद दुल्हन को मनाने के साथ ही दोनों पक्षों में पंचायत का दौर चला, लेकिन दुल्हन के साफ इनकार कर देने के बाद बात नहीं बन सकी। ऐसी स्थिति में अधिकांश बाराती वापस लौट गए। कुछ लोग वहां इसलिए रुक गए कि किसी दूसरी लड़की को तलाश कर शादी करा दी जाएगी। काफी समय प्रयास करने के बाद कोई लड़की नहीं मिल सकी। ऊपर से वधु पक्ष ने बारात के स्वागत सत्कार में खर्च हुआ लगभग 50,000 रुपए भी दूल्हे से ले लिया। निराश युवक बिना दुल्हन के घर वापस आ गया। इसके अलावा भी बेचारा और कर भी क्या सकता था, लेकिन उम्मीदों पर पानी ही फिर गया। जिस सदमे को युवक बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने मकान के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घबराए परिजनों ने फांसी के फंदे पर झूलते हुए शव को नीचे उतारा और उसके बाद युवक का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दुखद एवं निराशजनक घटना से गांव में तरह तरह की चर्चाओं के साथ शोक का वातावरण दिखाई दे रहा है।